वेलकम टू जीबी मैथमेटिक्स क्लास फ्रेंड। देखिए कितना सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा है, कितना पार्ट 17, कितना फ्रेंड पार्ट 17, ठीक है फ्रेंड पार्ट कितना 17। देखिए फ्रेंड, कुछ कुछ दोस्त को कमेंट आया था कि सर क्लियर नहीं दिखता है। क्या क्लियर नहीं दिखता है? क्लियर जब नहीं दिखता है, यहाँ देखिए इसी चलते हम थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, है ना फ्रेंड, थोड़ा बड़ा लिखे हैं। चलिए देखते हैं, अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राकेश यादव क्लास डेली प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता ही है इस चैनल पे। चलिए देखिए, हम दिया हुआ ना फ्रेंड, इतना दिया हुआ आपको, इतना बराबर पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए पहले तो हम इसको दो भाग में तोड़ लीजिए, ठीक है फ्रेंड। इसको क्यों कैसे, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। इसको अगर हम निकालें डायरेक्ट, अगर हम बता चुके हैं पहले फ्रेंड, इसको अगर हम निकाल ले, देखिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, अगर हम डायरेक्ट निकालें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड। देखिए इसको अगर हम क्या कहते हैं, 25 के स्क्वायर करते हैं, माइनस दो घटा देते हैं, प्लस निकलता है तब कितना, 25, 5 का स्क्वायर कीजिए कितना, 25, 25 में से क्या कीजिए, दो घटाइए कितना, 23, ठीक है ना फ्रेंड, 23। अब देखिए हमको एक्स क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब, तो इसको क्या है शॉर्ट ट्रिक, यहां देखिए 25 का क्या कीजिए, क्यू कीजिए 125, फिर कितना 3a, तो कितना 3a 3 × 5 कितना 15, है ना फ्रेंड। देखिए इसको क्या हुआ था शॉर्ट ट्रिक, a माइनस कितना 3a के क्यू माइनस 3a, तो a क्यू कितना है 125 आया, ठीक है। 3a बराबर कितना है 5, यानी 125 माइनस कितना 15, इसको कितना आ गया फ्रेंड 110, इसका कितना आ गया 110, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए ये हम डिटेल बता रहे हैं आपको, फिर इसको शॉर्ट भी बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड, ये हम डिटेल बता रहे हैं। तो इसको 110 आ गया, इसको 110 आ गया फ्रेंड। अब देखिए क्या खींचेगा जे, यहां देखिए ठीक है, कितना इसको लिख सकते एक्स के स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स के स्क्वायर, इसको दो भाग में, इसको देखिए एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू बराबर कितना है, इतना हम इतना बराबर मान है, कितना इतना बराबर माने कितना इतना, ठीक है फ्रेंड कितना है इतना, तो इतना बराबर हम लिख दें 23 × कितना 110। ये क्यों, देखिए हम इतना बराबर नहीं लिखे हैं फॉर्मूला, इसको दो भाग में तोड़े हैं, तो इतना बराबर हम क्या लिख देते हैं कितना इतना का मान। अब देखिए इसको गुना कीजिए फ्रेंड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना हो जाएगा फ्रेंड, एक्स के पावर 5, इसको में फिर कीजिए इसको से, नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए नीचे के पावर 2 है, ऊपर कितना है 3 है, ऊपर जब 3 है तो एगो से वो खत्म, तो यहां कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए नीचे के पावर x के पावर 2 और नीचे कितना x के पावर 3, तो इसका कितना हो जाएगा x के पावर 5, ठीक है फ्रेंड, x के पावर 5। अभी इसको जैसे कि जैसे रहने दीजिए, कितना 23 × कितना 110, ठीक है। अब देखिए x के पावर कितना 5 प्लस x के पावर कितना 5, ठीक है प्लस x प्लस 1/x बराबर कितना 23 × 110, ठीक है फ्रेंड 23 × 110। अब क्या कीजिए, यहां देखिए x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 कितना, अब देखिए इसमें गुना कीजिए, हम 11 से गुना करने का नियम है क्या फ्रेंड। देखिए इसको 2 × 2 रहने दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना 5, ये दोनों को 5, फिर लास्ट पर नीचे उतार दीजिए, ठीक है, फिर एगो 0 है तो 0 बैठा दीजिए कितना 125 × 30 माइनस, देखिए ये जब ये दोनों किया इधर प्लस में है तो उधर क्या जाएगा था माइनस में, यानी एक्स प्लस 1/ इतना, ठीक है फ्रेंड। तो इतना का मान कितना आ गया फ्रेंड इतना, इतना बराबर हमको कितना दिया हुआ है शुरू में, देखिए 5, तो यहां से 5 लिख दिए, यानी इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड 25 25, ये आपका क्या है फ्रेंड आंसर, ठीक है फ्रेंड, ये आपका क्या है फ्रेंड आंसर, है ना फ्रेंड। अब देखिए जैसे आपको अगर दे देता, देखिए अगर इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड शॉर्ट को, देखिए शॉर्ट को बनाता नहीं है फ्रेंड, इसी के लॉन्ग से खाली बस उसको छोटा कर देता है, जैसे मैं देखिए जितना जैसे ये इसको देखिए, ठीक है, अगर यदि एक्स प्लस कितना रहे फ्रेंड इतना रहे 5 मान ए रहे, कितना रहे ए रहे, ठीक है ना, अब पूछ दे एक्स के पावर कितना 5 प्लस 1/x के पावर अगर 5 पूछ दे, तो ये इसको क्या करना है फॉर्मूला, देखिए
किया एक्स के स्क्वायर, ठीक है, एक्स के स्क्वायर माइनस कितना टू, इसको गुना एक्स क्यू माइनस थ्री ए, ठीक है फ्रेंड, थ्री ए माइनस कितना ए, ठीक है माइनस ए, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड, तो बहुत जल्दी आपको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए जैसे एक बात और बता देते फ्रेंड, देखिए इसको इसको याद याद क्या रखना है, ठीक है ना फ्रेंड, हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है ना, इस देखिए हमको यहाँ पे क्या किया, हमको स्क्वायर निकालने के लिए जानवे करते हैं, हमको याद है ही है, क्यू निकालने के लिए हमको याद है ही, यहाँ पे क्या किया स्क्वायर निकालने के लिए बैठा दिए हैं और गुना किया क्यू निकालने के लिए बैठा दिए, ठीक है, तो यहाँ पर फाजुल क्या है ना कि देखिए जब फाइव निकालने के लिए क्या है ना तो माइनस एक हटा दीजिएगा, ठीक है, फाइव निकालने के लिए क्या है तो माइनस एक हटा दीजिएगा, दोनों का गुना करके, देखिए यहाँ पे हम तोड़े थे ना, दोनों का गुना कर दिए थे, फिर गुना करके कितना ए जितना दिया हुआ रहेगा उसको घटा दीजिएगा, ये अगर इतना आप याद रखते हैं तो बहुत बेस्ट है, बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे मैं यहां देखिए हमको निकालना है सिर्फ कितना एक के स्क्वायर आइस को, हमको दो ही निकालना रहेगा, कितना तो एक्स के पावर स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स के पावर किया स्क्वायर बराबर कितना है, यहां पे कितना हो जाएगा सात, इसको स्क्वायर कीजिएगा नौ, नौ से दो जाएगा था सात, ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है, अब देखिए सात यहां इतना तो समझ गए, अब देखिए क्यू निकालिए एक्स के पर कितना क्यू प्लस फिर कितना क्यू है ना क्यू, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये तीन का सताइस, सताइस में से नौ जाएगा कितना अठारह, कितना अठारह, अब देखिए हमको कुछ करना है, सात गुना किया फ्रेंड अठारह, ठीक है, और माइनस कितना ए, तो तीन घटा देना है, हम इस पे बैठा दिए हैं, ठीक है इस पे बैठा दिए हैं, अब इसको गुना कीजिए कितना आएगा फ्रेंड, देखिए गुना कीजिए कितना आएगा, कितना देखिए ये सात से कीजिए आठ में, जैसे में अब देखिए सात अठारह आठ सत्य कितना होता है फ्रेंड, आठ सत्य छप्पन के छ, आठ सत्य छप्पन के छ, और सात 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 देखिए आठ छप्पन के छ, सात पचे बारह एक सौ छब्बीस, ठीक है ना फ्रेंड, एक सौ छब्बीस में से तीन जाएगा कितना बचेगा एक सौ तेईस, ये आपका क्या आ गया फ्रेंड एक सौ तेईस, इसका आंसर इसका कितना एक सौ तेईस आंसर, ठीक है फ्रेंड। जैसे आगे देखिए इसका, देखिए इसको हमको कुछ नहीं करना, इस पे बैठा देना है, ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको, यहां देखिए हम पहले निकाल लेते क्या एक्स के स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका एक्स के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर निकालने के लिए इसको बर करके दो हटाना है, इसको बर कीजिए सोलह, सोलह में से दो जाएगा कितना बचेगा, सोलह में से दो जाएगा कितना बचेगा प्रे कितना चौदह, ठीक है प्रे, अब क्यू निकालिए एक्स के क्यू प्लस वन बटा एक्स के क्यू, अब देखिए इसको क्यू करके हमको थ्री ए घटा देना है, तीन ए यानी चरतिया बारह, यानी इसको क्यू करके बारह हमको घटा देना है, तो चार के क्यू कितना होता है फ्रेंड चौसठ, चौसठ में से बारह जाएगा कितना फ्रेंड बचेगा कितना, चौसठ में से बारह घटाएंगे तो कितना बचेगा बावन, तो ये कितना आ गया बावन, ठीक है ना, ये इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बावन, अब देखिए हमको क्या करना है बावन, बावन गुने क्या फ्रेंड चौदह, चौदह गुने क्या फ्रेंड बावन, हमको घटाना है कितना फ्रेंड चार, घटाना है कितना चार, ठीक है ना, घटाना कितना चार, अब देखिए इसको हमको अगर इतना गुना करके जाएगा आप आंसर लिख लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, हम देखिए अब, अच्छा फ्रेंड यहां पे देखिए एक एक बात और छूट गया है, यहां देखिए जैसे यहाँ पे एक नियम और लिख लीजिए, अगर इफ अगर दे दे आपको a माइनस वन बटा ए दे दे, अगर इतना बराबर अगर a रहे, ठीक है फ्रेंड, अगर आपको पूछ दे कितना x के पावर फाइव माइनस वन बटा कितना x के पावर फाइव, इसका नियम कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए x कितना x स्क्वायर प्लस कितना फ्रेंड दो प्लस कितना दो, फिर x क्यू माइनस कितना x क्यू माइनस थ्री ए, इसमें से कितना घटेगा ए घटेगा, ये आप याद रखिएगा, हम प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं क्या, देखिए मान लीजिए अगर देते यहां पे कितना देते हैं माइनस, माइनस कितना यहां पे, ठीक है, इतना बराबर कितना आपका रहता, मान लीजिए तीन रहता, ठीक है फ्रेंड, कितना रहता तीन रहता, तो इसको क्या करना है डिटेल हम पहले देख लेते हैं, देखिए निकालते हैं कितना इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, जब इसको माइनस से अगर प्लस एक्स स्क्वायर निकलता था तो क्या होता था घट में जुड़ता था, इसको स्क्वायर करके दो जोड़ते थे, इसको स्क्वायर कीजिए नौ, नौ में दो कितना होगा फ्रेंड ग्यारह, ठीक है, अब इसको क्यू निकालिएगा,
एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू। तो इसमें क्या करते थे, इसको क्यू करके हम 3x जोड़ते थे, तो इसको क्यू कीजिए कितना 27, अब फिर कितना 9 जोड़िए कितना होगा फ्रेंड 36, ठीक है 36। अब देखिए अगर हम x 5 बट 1 बटा एक्स के पावर 5 इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर फिर इसको गुना एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू, ठीक है इतना तो लिख सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए हम इतना तो इसको निकाला कितना है 36 गुना कितना 11 गुना 36। अब देखिए इसको इसको से कीजिएगा कितना होगा फ्रेंड एक्स के पावर 5 प्लस प्लस से था नहीं माइनस इससे इसको हो गया। अब इसको मैं इसको से कीजिएगा तो उस ऊपर कितना है एक्स के पावर 2 नीचे कितना एक्स के पावर 3 तो कितना बचेगा नीचे वाला बचेगा ज्यादा है तो नीचे एक्स के इतना बचेगा। अब देखिए इसे ये दोनों हो गया अभी दोनों का ये यहां पर कितना बचेगा प्लस एक्स, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहां पर कितना बचेगा माइनस एक्स के पावर 5, ठीक है। अब देखिए तो एक्स के पावर कितना है 5, एक्स के पावर 5 माइनस कितना एक्स के पावर 5 ये कितना एक्स प्लस माइनस कितना इतना, ठीक है फ्रेंड्स ये कितना है प्लस है यहाँ इस आ गया कितना इसको 11 में इतना से गुना कीजिएगा तो 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड 96, कितना 396। अब देखिए तो एक्स के पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 5 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा कितना होगा फ्रेंड माइनस में, तो इधर कितना आ जाएगा ये माइनस में, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए तो 396 इतना का मान कितना हम दिए थे 3 घटा दीजिए कितना आ गया 393, ये आपका क्या आ गया फ्रेंड आंसर, ठीक है फ्रेंड ये आपका क्या आ गया 393, ये आपका क्या आ गया फ्रेंड 393 ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व किया है यहां देखिए इफ यदि एक्स माइनस इतना आपको दे दे, ठीक है ये इतना आपको दे दे कितना ए, तो इसको अगर पूछ दे एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर क्या 5 बराबर कितना पूछ दे हाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2 एक्स क्यू प्लस क्या 3 और क्या माइनस ए, ठीक है फ्रेंड ये आप याद रखिएगा तो जल्दी बन जाएगा। देखिए अब हम प्लस वाला हम क्या बताते फ्रेंड कि यहां माइनस होता है और माइनस वाला हम क्या बताया यहां प्लस होता है, ठीक है फ्रेंड ठीक है याद रह जाएगा। जैसे मैं देखिए यहां डायरेक्ट अगर हम इस यही क्वेश्चन को अगर हमको डायरेक्ट करना रहता तब क्या करते देखिए सॉरी फ्रेंड देखिए ये कितना है 3 है 3 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 3 का क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 में दौड़ जाइएगा कितना 11, ठीक है फ्रेंड 11 फिर 3 के क्यू कीजिएगा 27 में 9 जोड़िए कितना होगा फ्रेंड 36 और फिर ये किया है 3 घट ये कितना 3 घटावल है 3 घटा देते तो यहां डायरेक्ट गुना कीजिए कितना होगा 396 माइनस 3, ठीक है फ्रेंड 3 कितना 93। देखिए फ्रेंड कितना सेकंड लगा सिर्फ 5 सेकंड हमको हल करने में, अगर ये पता है तब ठीक है अगर ये पता है तो हमको हल करने में कितना लगा सिर्फ 5 सेकंड है ना फ्रेंड। अगर नहीं पता रहता तो देखिए ये हमको 1 मिनट से कम समय नहीं लगता, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसीलिए अगर क्या अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है फ्रेंड कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा है ना फ्रेंड कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको जैसे अगर आपको दे देता इफ एक्स इतना बराबर कितना 3 दे देता अब पूछता एक्स के पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 7 बराबर वाट तब आप क्या करते यहां देखिए अगर ऐसा पूछ दे तब तो अब देखिए 7 निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा फ्रेंड एक्स के पावर कितना 3 वाला और एक्स के पावर 4 वाला तब ना 4 3 कितना हो जाएगा 7 तब तो देखिए हमको 7 निकाल देखिए हमको 5 निकालने के लिए क्या किया जरूरत पड़ा था एक्स के पावर कितना 2 निकाले थे और एक्स के पावर कितना 3 क्यों 3 2 5 हो जा रहा है तो वहां से हम तो वहां उसी का पैटर्न से हम इसका देखेंगे 7 हमको चाहिए तो पहले कितना निकालना पड़ेगा पहले कितना 4 और बाद में कितना एक्स के पावर 3 तब तो 7 होगा। अब देखिए तो हम पहले निकालते हैं एक्स के पावर कितना 2 फिर एक्स के पावर कितना 2 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 9 में से 2 जाएगा कितना 7 बच गया, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फिर हमको इसको 4 निकालते हैं एक्स के पावर 4 बटा एक्स के पावर कितना 4 बराबर कितना इसको स्क्वायर कीजिएगा कितना फ्रेंड होगा 49 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 47 इसका कितना हो गया 47। अब हम निकालते हैं क्यू एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स
क्यू। अब देखिए इसको किए कितना होगा, कितना 9, 27, 27 में से 9 जाएगा 18, इसका कितना आ गया फ्रेंड 18। अब देखिए, अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बटा कितना एक्स क्यूब, ठीक है इतना एक्स क्यूब। अब फिर देखिए एक्स फोर, अभी इतना एक्स फोर ठीक है बटा कितना था, ये दोनों को हमको गुना करना है कितना 47 गुना कितना 88, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसे गुना कीजिए कितना हो जाएगा, इसमें इससे 4 3 ऊपर, जब ये बेस समान है तो ऊपर कितना हो जाएगा गुना, ये आपको घटाएं करने में हम बता चुके हैं कि जब बेस समान है तो ऊपर पावर जुड़ जाता है तो कितना होगा फ्रेंड 7, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसको और इसको में गुना करना है तो ऊपर है और नीचे है तो कितना बचेगा एक नीचे बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इसको में हमको इसको गुना करता है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो एक से बचेगा। अब देखिए हमको नीचे नीचे से गुना करना है तो एक से पावर 7 बार कितना 47 और 18, ठीक है। अब देखिए तो हम लिख लेते हैं एक्स के पावर 7 प्लस एक्स के पावर 7, ठीक है। अब देखिए कितना है 47 और 18, ठीक है। और ये इतना हमको क्या हो गया फ्रेंड इधर प्लस में है तो उधर जाएगा कितना एक्स प्लस 1 बटा इतना, ठीक है। कितना था 47 और 18, ठीक है। और इतना का मान कितना दिया होता 3, तो यानी इतना गुना करके हल कीजिएगा तो ये आपका फ्रेंड आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अगर देखिए अगर आप चाहते हैं याद रखने के लिए इसमें भी जल्दी बनाने के लिए तो इसमें क्या है देखिए चाहते हैं तब ना, तो फिर ये आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिएगा। देखिए देखिए याद रखने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड, अपने आप याद हो जाएगा बनाते बनाते क्वेश्चन को। देखिए जैसे x प्लस कितना रहता a, x प्लस मान x प्लस 1 और x रहता अगर a रहता तब पूछता x के पावर कितना 7, ठीक है x के पावर कितना 7, तो आप कुछ नहीं करते। देखिए यहां पे हम क्या किए हैं, क्या किया फ्रेंड देखिए यहां पे हम क्या किया, कुछ भी नहीं, यहाँ के x स्क्वायर करके 2 घटा दिए थे, ठीक है। तम ए वाला निकला था और इसको निकालने के लिए फिर क्या इसको स्क्वायर किए तो फिर हमको इसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और 3 को तो आप जानते ही हैं एक्स क्यू माइनस कितना 3 है, ठीक है। ये अब हम क्या किए एक हटा दिए, ये आपका क्या बन गया फ्रेंड नियम, ये क्या बन गया नियम, ठीक है फ्रेंड, ये क्या बन गया आपका नियम। अगर यहां पर माइनस दे देता, ठीक है, अगर देखिए देखिए इफ एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर कितना देता ए माइनस में रहता, ठीक है, एक्स के पावर 7 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 7 पूछ देता, तब क्या करते यहां देखिए, तब क्या करते फ्रेंड यहां देखिए क्या एक्स स्क्वायर निकालते तो हमको प्लस, जब माइनस में रहे तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं प्लस में, यानी इसको क्या करते हैं प्लस में, और फिर इसको भी स्क्वायर करते हैं निकालने के लिए 4 निकालने के लिए, तो यह क्या हो जाता स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या गुना गुना ना गुना, तो एक क्यू तो ऐसे ही निकलता है एक क्यू, क्या एक्स हमको एक क्यू, तो एक क्यू हमको माइनस में निकालना पड़ेगा ना, देखिए 5 वाला हम बताया तो वहां से समझ में आया होगा एक क्यू क्या माइनस में, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 3 क्या 3 प्लस कितना 3 है ई, और हम जब अब प्लस रह जाए माइनस हमको ए घटाना ही है, हम 5 वाला में आपको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ई अगर याद रखिएगा तो याद रखने की क्या जरूरत है फ्रेंड, ये तो आपको ऐसा ही याद हो जाएगा बनाते बनाते, ठीक है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा बनाते बनाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए जैसे अगर दे दे फ्रेंड इफ एक्स प्लस इतना बराबर कितना दे दे 2, तो एक्स मतलब कितना होगा, तो अब देखिए अगर इतना आपको दे दे फ्रेंड तो आप क्या कीजिए एक्स से दोनों दोनों गुना कर दीजिए, एक्स से क्या कीजिए दोनों दोनों गुना, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड एक्स स्क्वायर ई 1, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 2x, ये कितना 2x, तब x के हम इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 1 बराबर कितना 0, तो ये अब देखिए ये किसका फॉर्मूला फ्रेंड x x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर बराबर कितना 0, तो हम आपको बताए हैं कि इतना बराबर अगर स्क्वायर रहे तो ये वाला मान क्या होता है 0, तो x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहां से कितना आ गया x बराबर कितना आ गया फ्रेंड 0, ठीक है x बराबर 0, ये तो हम प्रूव कर रहे थे। तो आप यहां देखिए फ्रेंड अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 2 रहे तो आप सीधा कीजिएगा ना x बराबर कितना मान लीजिएगा 1, क्यों 1 लेना है आपको देख ही लिए, क्यों हमको 1 लेना है जे प्रूव कर दिए हम, क्यों 1 लेते हैं मान जे, ठीक है क्यों 1 लेते हैं जे हम देख लिए ना प्रूफ हो गया। अब देखिए
ऐसा क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लीजिएगा ना, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर टू रहे, तो यहां से आप डायरेक्ट ले सकते हैं एक्स बराबर कितना वन, यहां से डायरेक्ट एक्स बराबर वन ले सकते हैं, है ना फ्रेंड। चलिए देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां देखिए इफ एक्स प्लस इतना रहेगा बराबर टू रहेगा तो पूछ जाएगा कितना, एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाय एक्स के पावर फाइव, तो एगो हम डिट करके देखाते हैं, तो जब यहां से अगर क्वेश्चन तो एक्स बराबर कितना हम लगे वन, और देखिए एक्स के पावर कितना फाइव बट्टा एक्स के पावर कितना फाइव, तो कितना हो जाएगा वन बराबर वन प्लस वन, एक्स के पावर कितना भी कीजिएगा, एक के पावर कितना भी कीजिएगा वन रहेगा, एक के पावर कितना भी कीजिएगा वन रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड दो। तो उसी तरह इसका भी कितना आ जाएगा फ्रेंड एक, एक इसका और एक इसका, इसका भी कितना आ जाएगा फ्रेंड दो, ठीक है ना, इसका भी कितना आ जाएगा दो, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी कितना आ जाएगा दो, अगर देखिए अब रह जाए ए, देखिए एम और ई एम बाई कितना टू है, तो हम आपको बताए थे पीछे में क्यू वाला में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले लेट आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए एम माइनस एम बराबर कितना था कुछ मान लीजिए एक्स थे, एक्स है ठीक है, ठीक है एक्स है ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर टू, ठीक है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना आ गया फिर टू, ठीक है तब टू जब एम टू है तो हम यहां से क्या, जब प्लस में है तो टू है तो हम क्या माने थे एक्स बराबर वन मान लीजिए, तो एक्स बराबर हम टोटल माने हैं तो यहां से मान ले एक एम माइनस वन बराबर कितना वन, ठीक है तो यहां से एम बराबर कितना आ गया फिर टू, ठीक है एम बराबर टू, तो इसका मान कितना हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे हम एक्स मान लिए, ठीक है यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स, तो हम एक्स के स्क्वायर इसके स्क्वायर, तो ठीक है इसका मान भी कितना वन के स्क्वायर प्लस कितना वन के स्क्वायर, ठीक है यहां से वन प्लस वन बराबर कितना आ गया फ्रेंड दो, इसका मान कितना आ गया दो। अब यहां देखिए ये इसका मान पूछ रहा है, ठीक है जब इसका पूछ रहा है तो एम के वैल्यू हम रख देंगे, एम के वैल्यू टू आया है तो टू के पावर क्यू, टू के पावर कितना स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, ठीक है ना। अब देखिए तो कितना होगा फ्रेंड आठ, ये कितना होगा फ्रेंड चार, ये कितना होगा फ्रेंड दो एक तीन, तो चलती है बारह एक कितना हो जाएगा फ्रेंड पंद्रह, तो यहां से आपका मान कितना आ गया फ्रेंड पंद्रह, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए उसी में एक टाइप और है फ्रेंड, जैसे में देखिए देखिए उसी का और क्वेश्चन है। अब देखिए मान लीजिए अगर ऐसा दे दे उसी का हट मान लीजिए एम प्लस वन बाय इतना, तो हमको अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है ना कि हम यहाँ पे अगर टू लाने की कोशिश करेंगे, क्या लाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड टू, तो इसमें देखिए तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में हम देख लेंगे पहले कितना एम माइनस कितना है थ्री, एम माइनस कितना है थ्री, ठीक है एम माइनस दोनों दोनों जब थ्री है, यहाँ जब थ्री है फ्रेंड अब देख लीजिएगा, अच्छा यहाँ पे थ्री नहीं है, ठीक है यहाँ पे थ्री नहीं है, तो पांच में से अगर हम तीन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड दो, और फिर इतना भी कितना आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पे देखिए एम माइनस क्या करेंगे थ्री प्लस, फिर ई नीचे के नीचे रहने देंगे, ठीक है अब इतना पांच माइनस दो करेंगे, देखिए पांच माइनस तीन कितना आ जाएगा दो, तो पांच माइनस तीन कितना आ गया फ्रेंड दो, यानी एम माइनस कितना थ्री प्लस वन बटा एम माइनस थ्री बाय कितना आ गया दो, ठीक है फ्रेंड इतना। अब देखिए आप लोगों का सवाल उठ रहा होगा ना फ्रेंड कि देखिए इसमें से क्यों, इसमें से काहे घटा, देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें से घटा, इसमें से क्यों नहीं घटा, ठीक है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में घटता है ना फ्रेंड तो क्या ऊपर वाला ही घटता है, ठीक है ना इसमें से ही घटाते हैं, है ना इसमें देखिए जैसे मैं इस क्या इसमें से ही घटता है, ठीक है ना। अब देखिए तो इतना बराबर क्या एक्स अगर मानते हैं तो एम एक्स मगर इतना बराबर है, देखिए अगर हम एक्स मान लेते हैं ठीक है तो एक्स प्लस वन बटा एक्स बाई टू है, तो एक्स बराबर कितना जाएगा वन, यानी हम एक्स कितना माने हैं एम माइनस थ्री का वन, तो यहां से एक एम बराबर कितना आ गया फिर फोर, ठीक है एम बराबर फोर, हम एम माइनस थ्री का क्या माने हैं एक्स, ठीक है तो इसका भी एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स हो जाएगा, ठीक है इसका भी एक्स इसका भी है, तो वन के अगर कितना ही पावर कीजिएगा वन, फिर वन का कितना ही पावर कीजिएगा तो वन, वन वन कितना हो गया फिर टू, ठीक है ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए तो यहां से कितना आ गया फ्रेंड चार के पावर कितना क्यू, फिर कितना चार के पावर टू, फिर कितना चार प्लस वन, यहां से कितना आ जाएगा फ्रेंड चौसठ, यहां से कितना आ जाएगा सोलह, यहां से कितना पांच, तो चौसठ और सोलह कितना अस्सी, और ये कितना पांच, यहां से कितना आ गया फ्रेंड पचास, ठीक है अगर ये पहला था एक दूसरा अगर ऐसा भी देगा तो आपको कितना आ गया पचास, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहां से थोड़ा सा चेंज करेगा फ्रेंड, यहां से क्या करेगा थोड़ा सा चेंज करेगा, जैसे माइनस दे देगा,
अब देखिए हम फिर करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, हम एक्स से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक्स स्क्वायर वन, ठीक है, माइनस कितना 2x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 1 बाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक्स प्लस 2, एक्स प्लस कितना 1, 1 के क्या है होल स्क्वायर, देखिए एक्स ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2a, कितना 2a प्लस 1, ठीक है, इतना बराबर कितना है 0, तो हम अब बताएं कितना, जब इतना बराबर 0 है तो एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहां से कितना x बराबर कितना माइनस 1, तो यहां से कितना x बराबर माइनस 1 आ गया, ठीक है। अगर आपको दिख जाए x प्लस 1 बटा x बराबर माइनस 2 दिख जाए, तो आप यहां से डायरेक्ट ले सकते हैं ना कितना x बराबर माइनस 1, ठीक है, ये हम प्रूव कर दिए। अगर दिख जाए, इफ यदि x प्लस 1 बराबर आपको माइनस 2 दिख जाए, तो यहां से x बराबर आप डायरेक्ट ले सकते हैं हम कितना माइनस 1, यहां से क्या लिख सकते हैं आप डायरेक्ट x बराबर माइनस 1, ठीक है, आपको प्रूफ हम कर दिए हैं। अब जैसे देखिए यहां देखिए कितना है x प्लस 1 बटा x बराबर कितना है फ्रेंड माइनस 2, तो यहां से x बराबर हम डायरेक्ट ले ले माइनस 1, x बराबर कितना ले ले माइनस 1, अब देखिए तो x के जगह पर हम रख देते हैं कितना माइनस 1, तो यहां से x के पावर 5 प्लस यहां से x के पावर 4, ठीक है, अब देखिए यहां रख दिया। अब देखिए यहां x के पावर अगर विषम है तो क्या होगा माइनस में निकलेगा, ठीक है, और x के माइनस वन के अगर पावर सम है, यहां देखिए माइनस वन के पावर अगर विषम था तो हमको माइनस में निकला, अगर माइनस वन के पावर सम है तो प्लस में ही निकलता है, ठीक है, तो प्लस में तो ऐसे ही कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया फिर 0, ठीक है। अब यहां देखिए ये तो विषम है, एक्स के पावर माइनस वन के पावर अगर विषम है तो इसका मान कितना आएगा फिर माइनस वन, फिर देखिए एक्स के पावर माइनस वन कितना विषम है तो इसका पावर कितना आएगा माइनस वन, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया फिर माइनस टू, ठीक है ना, इसका आंसर माइनस टू, ठीक है। देखिए हमको अगर पता है तो हमको हल करने में कोई देरी लग रहा है ना, सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमको दे दे इतना दे दे, ठीक है फ्रेंड, इतना दे दे, तो अब देखिए मान लीजिए कितना बराबर x है, ठीक है, इतना बराबर x, x बराबर कितना है इतना, तो जब इतना बराबर x फिर 1 बटा x बराबर माइनस 2 है, तो यहां से x बराबर कितना था माइनस 1, x बराबर माइनस 1 रख देते हैं, ठीक है, m माइनस 5, तो यहां से m बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 4, यहां से m बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है, m बराबर 4, और देखिए x बराबर यहां से x बराबर कितना है माइनस 1, तो इतना के हम पूरा के x माने हैं, इतना के पूरा के x माने हैं, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए माइनस 1 के पावर क्या है सम है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड प्लस 1, माइनस 1 के पावर कितना है सम है, तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर देखिए माइनस 1 के पावर क्या है सम है, तो क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, समझ गए फ्रेंड, एक कितना हो गया क्या 2। अब देखिए जैसे मैं देखिए इसको भी कितना मान लीजिए x, इसको भी किया x, ठीक है फ्रेंड, इसको भी x, अब देखिए माइनस 1 के पावर कितना है विषम, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड माइनस 1, फिर x के पावर माइनस 1 के पावर कितना है विषम, तो कितना हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, तो यहां से कितना आंसर आ गया आपका माइनस, यहां से आपका आंसर कितना आ गया फ्रेंड माइनस 2, यहां से कितना आ गया आपका माइनस, आंसर है आपका माइनस 2, ठीक है ना, यहां से आपका आंसर कितना आ गया माइनस 2, यहां ऑलरेडी इतना बराबर कितना मान चुके हैं x मान चुके हैं ना, ठीक है, यहां से आप x रखेंगे ना, ठीक है फ्रेंड, यहां से आपका आंसर कितना आ गया माइनस 2, ठीक है। अब दे दे जैसे मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, m, ठीक है, इतना तो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो आपको लगेगा ना फ्रेंड ओ मास्टर बाबा पगला गए क्या, छूट गए लगा कि छूट गया है ना क्या आपको हम लोग, ठीक है फ्रेंड, क्या छोड़ दिया है, ठीक है, तो आप सुधारने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ 2 नहीं फ्रेंड, हमको यहाँ माइनस 2 लाना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देख दे, देखिए यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 है, तो सिर्फ यहाँ नीचे में है तो हमको दोनों में प्लस करना है, अगर इसमें भी अगर हम प्लस कर देते हैं फ्रेंड और नीचे 1 बट इसमें भी अगर हम प्लस कर देते हैं तो इधर माइनस 2 में भी क्या करना पड़ेगा फ्रेंड प्लस, तो यहाँ से कितना होगा 1 प्लस 2 फिर 1 बटा 1 एम बट प्लस 2 बाय कितना माइनस 2, ठीक है फ्रेंड। अब मान लीजिए हम इतना बार में क्या मान लीजिए एक्स, तो यहां भी कितना हो जाएगा एक्स, यहां भी कितना हो जाएगा फ्रेंड एक्स, ठीक है, तो हम अगर मान लीजिए कि एक्स बराबर कितना एम प्लस 2, तो हम देखिए जब एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर माइनस 2 है तो यहां से एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, एम प्लस 2, यहां से एम बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3, यहां से एम बराबर माइनस 3, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए देखिए यहां से x बराबर माइनस 1 रखेंगे, जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे माइनस 1 के पावर अगर कितना है फ्रेंड विषम, माइनस 1 के पावर कितना है विषम,
तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस वन का पावर विषम है तो कितना हो जाएगा माइनस वन, फिर कितना है विषम है तो माइनस वन, ये इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड माइनस दो। ठीक है फ्रेंड, अगर फ्रेंड यहां पर छेद रहता तो आपका आंसर कितना हो जाता जीरो, क्यों ये सम है छेद सम हो जाता। ठीक है देखिए माइनस वन के पावर अगर एक रहता विषम और फिर माइनस वन के पावर सम रहता था हमको माइनस वन नहीं आता तो प्लस हो जाता इसे ही खत्म होगा कि जीरो आ जाता। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये सेकंड ये तो बन गया, अब यहां देखिए इसको देखिए एम बराबर हमको माइनस थ्री आया, माइनस थ्री का क्यू फिर माइनस ठीक है कितना स्क्वायर ई माइनस सत्ताईस कितना प्लस नौ, यानी ये इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड माइनस अठारह, यह आंसर आपका कितना गया माइनस अठारह। ठीक है फ्रेंड देखिए ठीक है ना, देखिए फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें दोस्त, क्या है ना फ्रेंड कमेंट करना ना भूलें क्योंकि कमेंट करना से हमको साहस बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, ठीक है फिर मिलते हैं, फिर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।